नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आपको भारत और विश्व में हुई आज ही के दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में बताऊंगी, तो आइए उसे देख लेते हैं। आज ही के दिन 1814 में फिलीपींस में ज्वालामुखी फटने से करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। आज के दिन 1881 में दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना हुई थी। यह भारत के प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानों में से एक है, जहां कला एवं विज्ञान की उपाधियां दी जाती है। आज के दिन 1884 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला वॉल्यूम पब्लिश हुआ था। यह 1898 में पहली बार प्रकाशित हुई थी व 1884 में पहली मात्रा प्रकाशित हुई। लगभग 410,000 शब्द प्रकाशित हुए और 1928 में अंतिम 12 खंड प्रकाशित किए गए थे। आज के दिन 2003 में पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। आज के दिन 1930 में द टाइम ने पहली बार क्रॉसवर्ड पजल को प्रकाशित किया था। वर्ग पहेली किसी भाषा के शब्द और अर्थ के ज्ञान की पहेली होती है, जो प्राय सफेद और काले रंग वाले वर्गाकार या आयताकार खानों के रूप में होती है। इस पहेली में सफेद खानों में अक्षरों को इस प्रकार भरना होता है ताकि इस प्रकार बने शब्द दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। आज के दिन यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड पर फ्रांस ने 1793 में युद्ध की घोषणा की थी। आज के दिन कलकत्ता बंगाल क्लब की स्थापना 1827 में हुई थी। इसे 1827 में कलकत्ता यूनाइटेड सर्विस क्लब के रूप में खोला गया था। क्लब के पहले अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल थे। आज के दिन भारत के पहले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली की स्थापना 1977 में हुई थी, जो भारत की रेल धरोहर पर ध्यान आकर्षण करता है और 140 सालों के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। यह लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। आज के दिन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 1992 में नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिया गया था। आज के दिन 4 देशों के पंजाब गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में 2009 में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया था। आज के दिन भारत में पहली बार साल 2017 में सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश किया गया था। यही नहीं, 93 साल बाद भारतीय बजट के इतिहास में रेल बजट को आम बजट में फिर से शामिल कर लिया गया था। आज के दिन 1957 में फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ का जन्म हुआ था। इन्हें सबसे पहले देवानंद साहब की फिल्म स्वामी दादा में एक छोटी सी भूमिका मिली थी। 1983 में निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने इनको अपनी एक फिल्म हीरो में प्रमुख भूमिका प्रदान की। खुशकिस्मती से उनकी ये फिल्म बहुत ही ज्यादा सफल हुई और वो रातों रात एक बड़े सितारे बन गए। आज के दिन 1915 में हेजा के जीवाणु पर शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक शंभुनाथ डे का जन्म हुआ था। शंभुनाथ डे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के पूर्व निदेशक और शोधकर्ता थे। उन्होंने कई दिक्कतों और मुसीबतों के बाद भी कोलकाता के बोस संस्थान में यह बेहद जरूरी और खास मानी जाने वाली खोज की थी। संसाधनों की कमी के बावजूद भी उन्होंने हेजा के जीवाणु द्वारा पैदा किए जाने वाले जानलेवा टॉक्सिन के बारे में पता लगाया था। आज के दिन 1882 में हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय नैन सिंह रावत का निधन हुआ था। नैन सिंह रावत 19वीं शताब्दी के उन पंडितों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए हिमालय के क्षेत्र की खोजबीन की। नैन सिंह कुमाऊं घाटी के रहने वाले थे। उन्होंने नेपाल से होते हुए तिब्बत तक व्यापारिक मार्ग का मानचित्रीकरण किया था। आज के दिन तट रक्षक दिवस भारत में 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तट रक्षक की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन वीर जवानों के प्रति समर्पित है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना जीवन देश सेवा में लगा देते हैं।